मुझे इंस्टाग्राम से पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं या फिर कितने मिलते हैं, तो आप भी हैं जितने भी। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ राखी नेगी, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार से, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। नए दिन, नए सुबह, नई उमंग, नई खुशी के साथ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे घर से, और दिन के बज रहे 1। तो खाना मैंने बना लिया है क्योंकि रियांश थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आया, तो वो सो गया है दूध पी के। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है ये तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ कोटद्वार का, कि यहाँ का मौसम कैसा हो रखा है। वैसे तो बहुत तेज़ की धूप है दोस्तों आजकल। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को मौसम। तो दोस्तों, मौसम तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि मौसम कैसा हो रखा है यहाँ का। तो बहुत तेज़ की धूप हो रखी है आजकल, बहुत गर्मी हो रही है। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों, और क्या बोलते हैं, शेयर ज़रूर करें। तो आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है, तो सबसे पहले तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं क्या बोलते हैं हाउस वाइफ हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी मैं कॉमेडी वीडियोस डालती रहती हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि मुझे इंस्टाग्राम से पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं या फिर कितने मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इन सभी सवालों के जवाब देने वाली हूँ, तो बता दूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता ही देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मिलते भी है और मेरी सारी फ्रेंड बोलती है कि तुझे इंस्टाग्राम से पैसे मिलते हैं और इतने में मिलते हैं, इतने क्या बोलते हैं, इतने फॉलोअर हो जाएंगे तब मिलते हैं या फिर कब मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि मुझे इंस्टाग्राम से पैसे नहीं मिलते, महंगा मिलता है मुझे इंस्टाग्राम पर। तो वैसे मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, और मैं इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ पैसों के लिए नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा ये नहीं है कि पैसे मिले तभी मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाऊं। मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के क्या बोलते हैं, चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, क्योंकि मुझे कॉमेडी करने का बहुत शौक़ है, और क्या बोलते हैं, मैं मतलब ऐसी ही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी कॉमेडी वीडियो देख के आप लोग थोड़ा हंस जाते हो, मतलब जो भी है। तो आपके सवालों का जवाब तो मैंने दे दिया है कि मुझे इंस्टाग्राम से कोई पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ, ये है कि वैसे भी उसमें मोनेटाइज का कोई ऑप्शन नहीं है कि मोनेटाइज होगा चैनल, और ये है कि प्रमोशन वगैरह का होता है उसमें। इंस्टाग्राम से पैसे सिर्फ प्रमोशन के थ्रू ही मिलते हैं, मतलब जितने भी प्रमोशन करोगे, कोई गाने के थ्रू प्रमोशन करता है, कोई मतलब कोई गानों का प्रमोशन करता है, या फिर कोई, तो आजकल एक चीज़ और है उसमें वर्क फ्रॉम होम वाला। तो मुझे बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम आए लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने एक दो किए थे पहले, दो ही किए शायद। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब ऐसे ही बोला कि मत करो, ये अलाना फलाना जो भी है कि ये ठीक नहीं। तो मुझे भी लगा, मतलब मुझे अजीब लगता था कि सब बोलते हैं कि ये फेक है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से, मेरे प्रमोशन की वजह से लोग बेवकूफ़ बने या फिर किसी के पैसे जाए। तो मैंने वो वर्क फ्रॉम होम वाला क्या बोलते हैं प्रमोशन नहीं किया किसी का भी, तो मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि आते तो बहुत सारे हैं। तो मैंने बता भी दिया था कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो बहुत सारे लोग तो नाराज़ भी हुए, लड़कियाँ, कि तुम नहीं कर रही हो, जानबूझ के नहीं कर रही हो, जो भी है। तो उनके लिए सॉरी, और बाकी यही है कि उसमें सिर्फ जो प्रमोशन का होता है उसी से पैसे मिलते हैं, बाकी तो उसमें कुछ नहीं है।
और वैसे भी मुझे सिर्फ आप लोगों को हंसाना है, आप लोगों को खुश रखना है, तो आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यही मेरी इच्छा है। तो फिर ब्लॉग यहीं पे एंड करें, तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ये मेरा छोटा सा ब्लॉग ही है, मतलब इसमें क्या है, इसमें 5 मिनट में मुझे सिर्फ आप लोगों को ये बताना था कि मुझे इंस्टाग्राम से पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग मतलब सोचते हैं कि मुझे मिलते हैं, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ही अच्छे व्यूज़ आते हैं, जिस हिसाब से मैं वीडियोस मेरी अभी क्या बोलते हैं, मेरे सबसे पहले एक वीडियो वायरल हुई थी वो मेरी अपनी वाली थी, और दूसरी वाली भी हुई थी वो 1 मिलियन व्यूज़ पर पहुँच गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में यार दोस्तों। मैंने उसको भी सोचा भी नहीं था कि मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे भी इतने व्यूज़ आएंगे, इतने चलो फॉलोवर तो कम ही है उसमें, फॉलोवर नहीं है ज़्यादा, पर जितने भी हैं जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों, और आगे भी मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।